नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम। आपने जनता और समाज के लोगों द्वारा पुलिस वालों के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई आरोप लगाते तो सुना ही होगा। आरोप और पुलिस का नाता पुराना है, पर इस बार जो घटना सामने आई यह थोड़ी अलग है। इस बार महिला पुलिस कर्मचारियों ने शहर के बैलतरोड थाने में कार्यरत दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ उनके प्रति असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सूत्रों ने बताया कि महिला कर्मचारी ने इसकी शिकायत सीधा डीसीपी के पास की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न मामलों में विवादित रहे दो पुलिस कर्मी सुशील व अरुण इन दोनों थाने में कार्यरत है। दोनों का व्यवहार साथी कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं होने से पुलिस कर्मी परेशान है। खासकर महिला कर्मचारियों के साथ इन दोनों की बातचीत का ढंग बेहद आपत्तिजनक गंदा होने की जानकारी सामने आई है। इनकी भाषा से त्रस्त एक महिला कर्मचारी द्वारा सीधे डीसीपी नरुल हसन के पास शिकायत की गई। इसके बाद डीसीपी ने इसकी जांच करने का जिम्मा अपने अधीनस्थ अधिकारी को दिया। कुछ महिला कर्मचारियों के इस मामले में बयान भी हुए हैं और अगले कुछ दिनों में दोनों पुलिस कर्मियों का बेलतरोड थाने से तबादला भी हो सकता है। हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया कि जिन कर्मचारियों को बयान के लिए बुलाया गया उनमें से अधिकांश पुलिस वालों ने पुरुष पुलिस वालों का पक्ष लिया, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम।